अपने गाड़ी में सैनिटाइजर यूज करा, अपने आप में शराबी घोषित हो गए। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा आज आपके सामने एक नया विषय लेके आए हैं कि जो हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं वो फायदेमंद कितना है और नुकसान कितना देता है। हमारे साथ में हमारे पहले गेस्ट हैं आकाश गोस्वामी, जो है भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष वृंदावन। आज हमारे साथ वृंदावन के भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष आकाश गोस्वामी मौजूद हैं, तो हम चर्चा करेंगे उनसे कि जो सैनिटाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं वो कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप हमारे पहले गेस्ट हैं इस टॉक शो के, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमारा आज का जैसे विषय हमने रखा है कि जो हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो आप भी दैनिक जीवन में यूज कर रहे होंगे, तो कितना फायदेमंद आपको लगता है और क्या उससे कोई नुकसान भी है? तो आप क्या यूज कर रहे हैं और कितना यूज कर रहे हैं? नहीं, इसका नुकसान तो कुछ नहीं है, भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार हम इसको यूज करते हैं। यहाँ साबुन नहीं होता, पानी की व्यवस्था नहीं होती है, उस जगह सैनिटाइजर का यूज करते हैं। हम भी करते हैं अपने दोस्त में, आने जाने वाले दोस्तों को, यारों को, सबों को, मित्रों को इसका यूज करते हैं। तो दिन भर में आप कितनी बार इसका यूज कर लेते होंगे? 10 से 12 बार तो हो जाता है और ज्यादा ही हो जाता होगा। अच्छा, बाहर कहीं जाना है, बाहर से कहीं से आना है तो सैनिटाइजर का यूज, गाड़ी में कहीं जाना आना है तो उसमें। तो आपको लगता है ये पूरा सेफ है आपके लिए, क्योंकि वायरस तो मारता है ये, क्योंकि वो तो रिसर्च हो गई इस पे कि वायरस के फोर को खत्म कर देता है, तो ये आपके लिए सेफ है? वायरस को तो मार देगा, तो आपको लगता है कि ये पूरी तरह सेफ है? नहीं, पूरी तरह सेफ है, इसमें नुकसान क्या है? आप क्या सोचते हैं केवल वृंदावन में कितने लीटर सैनिटाइजर रोज का यूज होता होगा? वृंदावन में कम से कम 100 लीटर रोज का यूज होता होगा। बिल्कुल, 100-200 लीटर यूज होता है। और पूरे भारत वर्ष में कितने हजार लीटर, कई हजार लीटर, कई लाख लीटर हो जाता होगा, कई लाख लीटर। बिल्कुल आपकी बात सही है। क्या आपको मालूम है कि ये वायरस को मारेगा, लेकिन आपकी स्किन में जाके भी कोई प्रभाव, इसका नुकसान होता है? नहीं, इसकी जानकारी कोई भी नहीं है। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप अगर दिन में 10 बार यूज कर रहे हैं तो ये आपको एक शराबी की तरह एक्ट करेगा। आप ऐसा लगेगा कि आपने कोई अल्कोहल पिया हुआ है। आपको लगता है ये बात सही हो सकती है? मैं विश्वास नहीं कर सकता इस बात पर। अच्छा चलो, मैं दूसरी बात बताता हूँ। बहुत सी जगह मैं अभी इस बीच आया तो मैंने ये देखा कि जहाँ पे भी जा रहे हैं तो बहुत से लोग धीरे धीरे सूंघ रहे हैं इसको। ऐसा क्या प्रवृत्ति आ गई कि सैनिटाइजर को सूंघने की, कोई उसमें स्मेल भी ऐसी नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक तौर पर एक नशे के तौर पर होता है, और ये हम आपको इसलिए हमने बुलाया है कि क्योंकि आप यहाँ के सामाजिक उसमें पूरा अपना रुझान रखते हैं, सारा समाज आपको जानता है, तो आपको टेस्ट कराएंगे कि आपके शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है। फायदेमंद हो सकता है वायरस के लिए, लेकिन आपके शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है आप कराइए, उसके बाद ही मैं विश्वास कर पाऊंगा। अच्छा चलिए, मैं इसका पहला पॉइंट बता दूं कि जब आप यहाँ पर लगाते हैं, हाथ पे रब करते हैं, तो कुछ तो ये उड़ता है क्योंकि एल्कोहल है, लेकिन कुछ हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब भी हो जाता है, और आपके एब्जॉर्ब इतना हो जाता है कि आपके जो सेल्स हैं, फाइटर जो सेल हैं, जो हमारे अंदर जो लड़ाई का काम करते हैं, हमारी जो आर्मी है, उनको ये धीरे धीरे ऐसा समझ लीजिए बेहोश करने लगता है, उनको नुकसान पहुंचाने लगता है, और ये थोड़ी ही देर में, 1 मिनट के अंदर आपके ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में आने के बाद में आपकी सांस में आ जाता है। तो आपको ये जान के बड़ा अजीब सा लगेगा कि आपने अभी एल्कोहल तो पिया नहीं, लेकिन आपके सांस में ये आ जाता है। आप कितना भरोसा करेंगे इस पे? क्या हो सकता है कि आप जिसको आप सोच रहे हो कि यार वायरस को मार रहा है और वो आपकी सांस में आ रहा है? नहीं, आप कह रहे हो, अब प्रत्यक्ष आप दिखा दोगे तो प्रत्यक्ष बिल्कुल दिखाऊंगा। ऐसे भी आपको बुलाया है, जो मॉनिटरिंग हम करेंगे, जो आपका आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में रात में जो पुलिस वाले जो ड्राइविंग करते हैं, उनके मुंह में एक ब्रीथ एनालाइजर एनालाइजर होता है जो एल्कोहल को डिटेक्ट कर लेता है आपकी ब्रीथ में, और वो इंडिकेट कर देता है कि इन्होंने एल्कोहल पिया है। तो उसी एनालाइजर के द्वारा हम आज ये देखेंगे कि वो हमारी ब्रीथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप ये एल्कोहल टेस्टर एनालाइजर है, आप केवल सिंपल आप देखें इसको, ये ब्रीथ कीजिए, इसमें सांस छोड़िए, आप देखो इसकी टेस्टिंग 0 है। 0, ये 0 है, इसका मतलब आपके जो ब्रीथ में कोई भी अल्कोहल नहीं है, यानी कि आप पास हो गए कि आपने कोई भी अल्कोहल यूज नहीं करा है। ठीक है, अब एक ये जो हैंड सैनिटाइजर है आप देख सकते हैं, इसमें अल्कोहल है 80%,
80% एल्कोहल है। इसको आप अगर 5 से 6 बार हाथ पे लगाएंगे, थोड़ा सा जितना आप यूज करते हैं उतना मैं दे रहा हूं, इसको आप लगाइए। क्योंकि ब्रीथ अभी तो ये आपके स्किन के नीचे तुरंत चला गया, लेकिन ब्रीथ में आने के लिए इसको 5-6 बार लगाना पड़ता है, तब ये ब्रीथ में आता है। हाँ, तो पूरे दिन में हो जाता है। हाँ, देखिए अब हमने ये आपके लिए एल्कोहल डाला है, अब इसमें ब्रीथ लीजिए हल्की सी। देखिए 117 रीडिंग आ गई और बीप करने लगा, इसका मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ आप समझते हैं? अगर आपने गाड़ी में सैनिटाइजर यूज करा और धीरे धीरे करा तो वो नुकसान दे ही रहा है आपके शरीर के लिए, लेकिन फ्रीक्वेंटली कर लिया, जैसे अभी करा, फिर आपने कोई चीज टच कर ली 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड, फिर करा, फिर 10-20 मिनट में टच कर ली, फ्रीक्वेंटली मतलब मिनट 2 मिनट में ये आपने कर लिया, और इन केस कोई पुलिस वाले ने आपको रोका और ये जो ब्रीथ एनालाइजर है इससे आपको चेक करा, तो इसका मतलब आप एक देसी भाषा बोल रहा हूँ एक शराबी घोषित हो गए उसकी नजर में। तो इससे हमें बचने के लिए क्या उपाय करना है? गाड़ी में सैनिटाइजर का तो विकल्प है नहीं है, और गाड़ी में ही पुलिस वाले चेक करेंगे उस चीज से बचेंगे। बचने का तो बात की बात है, पहले आपके शरीर को कितना नुकसान दे रहा है आपने इसके बारे में सोचा है? अगर ये आपके सांस में अगर कोई एल्कोहल आ जाए, यानी कि आप अपने आप में शराबी घोषित हो गए, लेकिन बॉडी में अगर ये ब्लड में चला गया तो आप एल्कोहल नहीं पी रहे। आपको मालूम है कि एल्कोहल पीने से लिवर फेल होता है, किडनियां फेल होती है रेगुलर अगर पी, तो जो लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं इनका, जिनको ज्ञान नहीं है, तो उनको तो धीरे धीरे लिवर भी इनका काम करना कम हो जाएगा, किडनी भी काम करेगी, और दूसरा आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाएगी। आप जिसके लिए आप सोच रहे हो मैं कोरोना वायरस मेरे को नहीं होगा, लेकिन आपकी तो इम्यूनिटी वीक हो गई इसको करने से, तो ये कितना खतरनाक है, आपने कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। अब देखने के बाद पता चल रहा है कि आपके सांस में आ गया है, तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि जो अगर आपको यूज करना है, जो आपने कहा अब हम क्या करें, तो हम अगर यूज करना है तो आप इसको मोबाइल को सैनिटाइज करने के लिए यूज करें। कुछ ऐसी चीज है जिसको हम साबुन से नहीं धो सकते, साबुन भी अपने आप में नुकसानदेह है, पर्यावरण के लिए नुकसान देता है, लेकिन ये तो आपके लिए तो बहुत खतरनाक है एल्कोहल, तो साबुन का भी यूज आप करें तो कम से कम करें। कहीं आप जा रहे हो तो हाथ अच्छी तरह धो लें, ये नहीं आप एक मानसिक तौर पे ये हो जाए कि हर कोई चीज टच करी फिर छू लिया, दिन भर आप हाथ धोते रहेंगे तो कैंसर तक हो सकता है साबुन से भी और इससे भी, और स्किन डिजीज तो बहुत छोटी बात है, जब ये आपके ब्लड में चला गया तो आपकी इम्यूनिटी वैसे घटा देगा। तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर कहीं आप जा रहे हो तो एक पाउच जो होता है ना शैम्पू का पाउच वो रख लो, और एक बोतल पानी भर के छोटी छोटी रख लो, जब आपको लग रहा है कि अब हम बाहर जा रहे हैं तो उस पाउच को पानी के उसमें बोतल में डाल के और हैंड वॉश उससे कर लो, एक सादा बोतल रख लो। मुझे लगता है कि ये जो तरीका है वो कारगर सिद्ध होगा, आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, और आपका एक मानसिक तौर पर जो वायरस से बचने का एक वो है कि तरीका कि हम वायरस से बच जाए, तो ये तरीका मेरे हिसाब से कारगर है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? अब आपने बताया है और प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, इसमें देखने के बाद में अभी 0 था उसके बाद 117 हो गया, तो अब तो इसका सैनिटाइजर का यूज कम से कम ही करना पड़ेगा या बिल्कुल ही खत्म करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बच्चों को तो और ज्यादा खतरनाक है, आप अपने बच्चों को एक तरीके से एडिक्ट बना रहे हैं, नशे का ये एडिक्ट है, जब आप इसको 1 महीने रेगुलर यूज करेंगे, जैसे कोई एल्कोहल पीता है एक बार में एडिक्ट नहीं होता, बार बार उसको पीना पड़ता है तो वो एडिक्ट हो जाता है, ऐसे ही आप इसका रेगुलर आप यूज अपने बच्चों को या घर में किसी में भी करवाएंगे आप खुद, तो आप एडिक्ट हो जाओगे स्मेल सूंघने की, जो मैंने आपको पहले बताया, जिससे ये मेरा आइडिया दिमाग में आया कि क्यों सूंघ रहे हैं, ये एडिक्ट हो गए, तो ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। हमारी एक वीडियो हम इसमें लिंक में भी दे देंगे, एक वीडियो हमने पहले भी बनाई है कि हम अपना जो घर में इस्तेमाल करते हैं घर में ही आप बना लें इसको हाथ धोने के लिए, जिसमें हमने फिटकरी डाली थी, चूना डाला था, हल्दी डाली थी, वो पूरा अलग वीडियो है सेपरेट, इस लिंक में आ जाएगा, आप घर पे उसको बना सकते हैं, मैं आपको भी दे दूंगा, वो इतना एल्कलाइन है, हमने उसकी भी एक टेस्टिंग करी थी कितना एल्कलाइन है, तो घर पे बनाने आपको नुकसान भी नहीं देगा और बहुत सस्ता भी पड़ेगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं देगा।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने कोरोना से बचने के लिए हम दूसरी चीज के पास में जा रहे थे, दूसरी बर्बादी की तरफ जा रहे थे, उसको बचाया। आप अपना मेरे को एल्टरनेट प्रोडक्ट दें। मैं समाज के लोगों से भी कहूंगा सैनिटाइजर का यूज कम से कम करें, डॉक्टर साहब का बनाया हुआ हेल्पलाइन है उसका भी यूज करें, अपने आप को भी बचाना है। हम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं और अनजाने में अपनी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहे हैं, वे भी सही नहीं है ना, सही नहीं है। तो आगे भी हम ऐसे शो बनाते रहेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए, और आप आए इसके लिए धन्यवाद। और आगे अभी से ही हम आप रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जब कभी भी हम आपको अगले शो पे बुलाएं तो जरूर आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो हमने ये जो एनालाइजर से आपको सामने प्रत्यक्ष दिखाया, जो हमारे आकाश जी ने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो सही बात है, आपने सामने प्रत्यक्ष देखा कि आपकी सांस जो एल्कोहल आ जा रहा है तो आपको आपके बच्चों को कितना नुकसान देगा। यूज करें लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग करके यूज करें, ऐसे नहीं कि जो भी चीजें आ जाए आप तुरंत यूज करने लगे और मिसयूज करने लगे। तो अगर करना है तो एक आध बार दिन में कर सकते हैं, क्योंकि पानी भी आप मिसयूज करके पिएंगे दिन में 10 लीटर 15 लीटर तो वो भी आपको नुकसान देगा, ये तो अल्कोहल है। तो यूज करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यूज करें। ठीक है मित्रों, फिर अगले शो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आकाश जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप आए।